आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में बारिश से हाईवे घंटों बंद, चंपावत में पुल निर्माण के लिए बना पूरा प्लांट बहा। कुमाऊं के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में मंगलवार रात से हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। चंपावत जिले के रीठा साहिब क्षेत्र में तल्लाताल और लदिया घाटी में भारी नुकसान हुआ है। बुधवार को टनकपुर जौलजीबी सड़क पर पुल निर्माण कार्य के लिए बना पूरा कैंपस महंगे उपकरणों समेत बह गया। वहीं पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे 13 घंटे और कोटद्वार पौड़ी हाईवे करीब 11 घंटे बंद रहा। प्रदेश में बारिश से 105 सड़कें बंद। तो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश से 105 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इस वजह से आम लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को राज्य में बारिश की वजह से कुल 105 सड़कें बंद रही। उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो उत्तराखंड के कई जिलों में बुधवार को मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेरिस ओलंपिक में 117 भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे। आपदा पीड़ितों को बांट दी एक्सपायरी डेट का तेल और चाय पत्ती। तो खटीमा से खबर है, यह आपदा पीड़ितों को दी जा रही राशन किट में एक्सपायरी डेट का तेल, चाय पत्ती और घुन लगी राजमा दिए जाने पर राजीव नगर में देर रात तक जमकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ताओं की सूचना पर भाजपा नेता एवं पूर्व मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत ने मौके पर पहुँच राशन किट में खराब सामान देने का मामला पकड़ा है। इसकी सूचना एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को दी गई। एसडीएम ने रात में ही 50 तेल की बोतल वापस करवाई। एसडीएम ने मामले के जांच के निर्देश दिए हैं। डोडा के वन क्षेत्र में फिर गोलाबारी। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 4 घंटे के भीतर 2 बार गोलाबारी हुई। कर्नाटक में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण। तो कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने का फैसला किया है। ओमान के पास तेल पोत पलटा, 13 भारतीय लापता। तो ओमान तट पर एक मालवाहक पोत के डूबने की आशंका व्यक्त की गई। इस पोत के 16 सदस्य चालक दल में 13 भारतीय हैं। भारतीय नौसेना भी खोज एवं बचाव अभियान में शामिल हो गई है। कार्रवाई, चंपावत में प्रसूता की मौत के बाद भेजी गायनी। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बीती 15 जुलाई को एक प्रसूता ने डिलीवरी के बाद मौत के बाद चंपावत से देहरादून तक हड़कंप है। बुधवार को आनंद फानन में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड डीजी हेल्थ ने महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका लसपाल को चंपावत जिला अस्पताल से संबंध करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पिथौरागढ़ में 9 दिन से बंद सड़क ने ली युवती की जान। तो सरकारी सिस्टम की लापरवाही से जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित बांस आंवला घाट सड़क बुधवार को 9 दिन बाद भी नहीं खुल सकी, जिस कारण बुधवार को तल्लीसार गांव निवासी 30 वर्षीय बीमार युवती गंगा पुत्री हरक सिंह ने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया। भोपाल में 2 शावकों को बचाने के लिए एसी ट्रेन चलाई। तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रेलवे ट्रैक पर घायल बाघ शावकों को बचाने के लिए रेलवे ने एसी स्पेशल ट्रेन चला दी। अधिकारियों के मुताबिक 14-15 जुलाई की रात को बुधनी के पास जंगल इलाके में तीन बाघ शावक के घायल होने की सूचना मिली। इसके बाद भोपाल से 12:25 पर टाइगर रेस्क्यू स्पेशल ट्रेन को भेजा गया। इस दौरान एक नर शावक की मौत हो गई, जबकि 2 मादा शावक को सुरक्षित भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया।
हरियाणा पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण। तो विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हरियाणा की भाजपा सरकार ने कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल वार्डन की भर्ती के साथ साथ अन्य पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की बुधवार को घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में नीट पर आज सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 12 नक्सली मार गिराए। उत्तराखंड में फेरी ठेली वालों के लिए दिए जाएंगे पहचान पत्र। उत्तराखंड में फेरी ठेली वालों को जल्द पहचान पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शहरी विकास निदेशालय ने सभी नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी किया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण देने को लेकर पीछे हटी कर्नाटक सरकार। उत्तराखंड के निजी क्षेत्र में भी निभा रहा रोजगार देने के महत्वपूर्ण भूमिका। गैसेंड में 5 अगस्त से हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। दून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पैसे के लेन देन में हुई पूर्व मंत्री के पिता की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। ढोल नहीं बजाने पर पंचायत ने लगाया जुर्माना, 28 पर मुकदमा। तो जोशीमठ से खबर आई है, एक धार्मिक आयोजन में ढोल न बजाने पर जुर्माना लगाने से अनुसूचित और स्वर्ण जाति के ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। अनुसूचित जाति के ग्रामीणों ने स्वर्णों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कहा कि बहिष्कार करने और हकों से वंचित रखने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने एससी एसटी एक्ट में 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला विकासखंड जोशीमठ के सुबाई चांचड़ी गांव का है। अनुसूचित जाति के ग्रामीणों ने जोशीमठ कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि बीती मई में गांव में बैसाखी मेला था, जिसमें उनकी जाति के ढोल वादक पुष्कर लाल को ढोल बजाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने से वह ढोल नहीं बजा पाया। आरोप है कि इससे नाराज गाँव के सवर्णों ने पंचायत बुलाकर पुष्कर लाल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। बताया कि पुष्कर ने 3 मई को जुर्माना की रकम भी जमा कर दी, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। आरोप है कि ग्रामीणों ने गांव में पंचायत बुलाकर अनुसूचित जाति के परिवार का बहिष्कार करने और जल जंगल जमीन से वंचित रखने का निर्णय लिया है। उन्हें गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी न भरने देने की बात कही गई है। जोशीमठ कोतवाली के प्रभारी राकेश भट्ट ने बताया कि गांव के 28 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो सीएम के अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को अपराह्न 4 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बैठक में चारधाम यात्रा के सुगम संचालन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व तीर्थाटन परिषद का प्रस्ताव आ सकता है। उच्च स्तरीय समिति इस पर सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। बैठक में स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, आवास, वन विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकारी अस्पतालों में यूजर चार्ज की दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा आवास विभाग के सभी निकाय क्षेत्रों में नक्शे पास करने की अनिवार्यता को लेकर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव भी आ सकता है। कैबिनेट में छात्र संघ चुनाव समेत सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आतंकियों के खात्मे को 80 किलोमीटर दायरे में सेना तैनात की गई। केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रहा। दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर चर्चाओं में आईएएस। तो महाराष्ट्र कैडर की प्रशिक्षु पूजा खेड़कर के प्रमाण पत्रों पर सवाल उठने के बाद अब दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर उत्तराखंड की आईएएस अफसर नीतिका खंडेलवाल चर्चाओं में हैं। लोग सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें उनकी दिव्यांगता को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। एक आईएएस ने जारी किया प्रमाण पत्र तो दूसरे ने क्यों किया रद्द, उठे सवाल। तो देहरादून स्मार्ट सिटी या प्रोजेक्ट में एक सहायक महाप्रबंधक की नियुक्ति पर रहस्य की चादर पड़ी है, जिसमें 2 आईएएस अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में आ चुकी है। एक आईएएस अफसर ने
एजीएम की नियुक्ति के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया तो दूसरे आईएएस अफसर ने उस प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। ऐसा क्यों किया गया है? ये सवाल अब रहस्य बन चुका है। मुख्यमंत्रियों ने अफसरों को फील्ड में उतरकर काम करने के निर्देश दिए। कार्यकाल बढ़ाने के लिए जारी रहा धरना तो त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने के लिए बुधवार को तीसरे दिन भी पंचायत राज निदेशालय पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना 18 जुलाई को तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की ओर से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों विभागों में दैनिक संविदा विशेष श्रेणी पीटीए आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जा रहा है। बिजली कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। 157 विभागों में दिसंबर तक कागजी काम हो जाएगा बंद। ई ऑफिस से तेज होंगे काम। जमीन नाम की कैसे मिलेगा पेंशन योजना का लाभ। अटल विद्यालयों की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी तो शिक्षकों की कमी को दूर करने और उन्हें पहाड़ चढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। 212 चयनितों को दिए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से चयनित 212 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। पॉलिटेक्निक संस्थानों के अंतिम वर्ष के इन छात्राओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी मिली है। लोक निर्माण विभाग को सता रही मानसून में अधिक नुकसान होने की चिंता। पहाड़ों में हरियाली बढ़ाने की तैयारी। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने आज पहुँचेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो आरआरसी सीआर में संभावनाएं तो रेलवे में 2424 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। मास्टर रिलर टेक्नीशियन 64 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 25 जुलाई को होगा। कंसल्टेंट मेडिकल अफसर के 45 पदों पर भर्ती निकले जिसके लिए 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 381 पदों पर भर्ती निकले जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आसुलिपि ग्रेड फर्स्ट के 23 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 20 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बदहाल सड़क पर हर रोज बेबसी का सफर। सहारनपुर रोड पर सिविल लाइन का निर्माण पूरा न होने से बड़ी परेशानी। वाद से बड़े बड़े कार्रवाई में छूट रहा पसीना। रिस्पन्ना बिंदाल एलिवेटेड रोड पर आईटी ने सौंपी रिपोर्ट, अब शुरू होगा असल काम। वहीं खबर देहरादून से युवती ने मकान मालिकिन पर चाकू से किया हमला तो 1 सप्ताह पूर्व किराए पर रहने आई युवती ने शराब पीकर गाली गलौज की। विरोध करने पर मकान मालिक की पत्नी पर चाकू से हमला किया। पीड़िता की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला प्रेमनगर थाने के केहरी गांव का है। फड़ ठेली वालों के बनेंगे पहचान पत्र। कबाड़ी ने चुराए थे क्रैश बैरियर के नट बोल्ट। चोरी या कि एक्सयूवी के साथ आरोपी गिरफ्तार, देहरादून से खबर रही है। अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों का शासन और राज्य विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहा रुझान तो प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेज शिक्षकों पर उनके संस्थानों की समस्याएं हावी होने लगी हैं। प्रतियोगिता में जूडो खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। प्रभात फेरी निकाल किया प्रकृति के लोग पर हरेला का स्वागत। दून में रोपे गए 6.81 लाख पौधे संरक्षण से बनेगी बात। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। ओवरहेड टैंक नहीं बुझा पा रहा लोगों की प्यास। आज से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा करेगी कमेटी। श्रावण मास में इस बार 5 सोमवार का अद्भुत संयोग तो इस बार श्रावण मास कई विशेषताओं के साथ प्रारंभ होगा। इस बार सावन का सोमवार को ही प्रारंभ और सोमवार को ही समापन होगा। वहीं इस श्रावण मास में 5 सोमवार का अद्भुत संयोग पड़ रहा है। श्रावण मास 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। बाजार में खुली शराब की दुकान का विरोध किया। आपदा पीड़ितों को एक्सपायरी डेट का तेल और चाय पत्ती बांट दी। भाजपा नेता और आपूर्तिकर्ता पेटीदार से हुई तीखी झड़प। बाजपुर में अनियमितताओं मिलने पर क्रशर सीज किया गया। रामपुर में युवक ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाई।
गढ़वाल में केदार मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। तो गढ़वाल में कांग्रेस ने ब्लॉक और जिला मुख्यालय में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद चारधाम में तीर्थ पुरोहितों ने मंगलवार को आंदोलन समाप्त कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। जोशीमठ में केदारनाथ मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा पर भड़की। चमोली में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कर्णप्रयाग में कांग्रेस ने जुलूस निकाला। कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर मुद्दे पर रोष जताया। पुरोला में झुलसा रोग की चपेट में टमाटर की फसल। टनकपुर के यूम पाइप डालने की मांग। रीटा साहिब तालादेश के गांव में बारिश से बर्बादी हुई। तो रीटा साहिब के मछियाण संगरूर तल्लापाल बिलोनी के सजोली गांव और तालादेश के बकोड़ा चलथी गांव में बारिश से तबाही हुई। ऑल वेदर रोड 4 जगह 12 घंटे बंद रही। तो चंपावत से खबर रही है। चंडाक में पेड़ गिरने से 134 साल पुराने चर्च को खतरा। चोगा के सीमा गांव में पुल निर्माण का प्लांट बहा। वहीं खबर है थल से थल के पाखू में सड़क में बहरा नाला। पूर्णगिरी सड़क में मलबा हटाने में खर्च हो गए 5.5 लाख। युवाओं को हर क्षेत्र में मिलेंगे रोजगार के मौके। तो सीएम ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में चयनित 212 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। धामी कैबिनेट की बैठक आज होगी। शिक्षकों ने नियमावली का किया स्वागत। प्राथमिक शिक्षक संघ ने SCERT और DIET की नियमावली बनाए जाने का स्वागत करते हुए सरकार से इसमें प्राथमिक शिक्षकों को भी शामिल करने की मांग की। कांग्रेस नेता कापड़ी ने किया मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद। तो खटीमा में बाढ़ प्रभावितों के लिए राशन किट और राहत राशि जारी करने पर जताया आभार। पुलिस मुठभेड़ में यूपी के शार्प शूटर को लगी गोली। पति से बदला लेने के लिए मां ने मासूम बेटे को पीटा। तो पति से मनमुटाव का बदला लेने के लिए पत्नी ने अपने 8 वर्षीय मासूम बेटे बच्चे को बेरहमी से पीटा, जबकि दूसरे बच्चे से मारपीट का वीडियो अपने फ़ोन में बनवाया। वीडियो बनाकर महिला ने अपने पति को भेज दिया। पुलिस ने महिला और बच्चे को बाल कल्याण समिति हरिद्वार को सौंपा है। गोवा पुलिस से भिड़ चुका है साजिद उर्फ पिस्टल। भगवानपुर में गुलदार की दहशत। वहीं खबर है झपरेड़ा से। झपरेड़ा में 2 कारों की टक्कर से 2 की मौत हो गई। तो गांव गोकुलपुर के पास बुधवार को 2 कारों की भिड़ंत में कार सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। भगवानपुर में बाइक सवार घायल हो गया। जलवायु संकट रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी। जागेश्वर धाम को विकास से दिलाएंगे नई पहचान। उत्तराखंड में 39% महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है। नियमितीकरण की मांग को लेकर के निगम कर्मियों का आंदोलन तेज। तो GMVN मुख्यालय में आज शहीद स्थल पर रैली निकालेंगे कर्मचारी। वहीं खबर है भगवानपुर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती लापता हो गई। SC वर्ग के बहिष्कार पर 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। बुलडरों की चपेट में आया लोडर। जोशीमठ में यात्रा वाहन दुर्घटनाग्रस्त 4 घायल। तो हेमकुंड की यात्रा कर लौट रहे सिख यात्रियों का वाहन बुधवार को मारवाड़ी के निकट एक मोड़ में दुर्घटनाग्रस्त होकर ऊपर से नीचे की ओर सड़क पर गिरकर पलट गया, जिस कारण इसमें सवार 8 लोगों में से 4 को गहरी चोटें आई हैं। पौड़ी हाईवे बंद रहने से यात्री परेशान रहे। आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे देश के 35 नए अस्पताल। गैंगरेप के सभी आरोपी हों गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है। भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को कहा कि दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। झबरेड़ा में कारों की टक्कर से 2 की मौत हो गई। श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी आवासीय स्कूल की सुविधा। कार्य बहिष्कार पर डटे आउटसोर्स कर्मचारी। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 123 कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। आज से अस्पताल में होंगी दिक्कतें। नेपाली श्रमिक पर पथराव किया डंडे से फोड़ा सर। तो अल्मोड़ा से खबर है। पिथौरागढ़ निवासी आरोपी के खिलाफ 2 दिन में दूसरा मुकदमा हुआ। अल्मोड़ा और रानीखेत में 440 टीन लीसा बरामद किया। बागेश्वर कपकोट और कोसानी में रोपे गए पौधे। अज्ञात ने परिचित बताकर किया फोन खाते से 16,000 उड़े। तो रानीखेत से खबर आई है। नई टिहरी में हजरत इमाम की याद में ताजी निकाले।
भड़कोट में अब दूसरी जगह पर अनशन प्रशासन ने धरना स्थल खाली कराकर अनशनकारी पूरन को अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों में आक्रोश है। रुद्रपुर में नल से निकला मरा सांप, तो बरसात में मुख्यालय के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। बाल कार्यशाला में बच्चों को कहानियां के तत्व बताए। छात्र पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। 9 करोड़ खर्च करने के बाद भी बुराड़ी स्टेडियम बदहाल है। किताब कोती के लिए स्थानीय लोगों से मांगा सहयोग। सुवाई गांव के 28 लोगों पर SC ST में केस दर्ज हुआ। दुष्कर्म मामले में युवती के बयान दर्ज किए गए, तो पुलिस विभाग ने एक दरोगा पर दुष्कर्म पीड़िता के यौन शोषण मामले में जांच शुरू कर दी है। रग्बी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में दिखाएंगे दमखम। मुहर्रम दून में गुजी या हुसैन की सदाएं। दिल्ली में केदारनाथ के नाम पर मंदिर निर्माण का विरोध किया गया। डेंगू का खतरा बढ़ा, अब तक 1300 जगहों पर लार्वा मिला। डेंगू मरीजों के लिए 125 बेड आरक्षित किए गए। नाले पर अतिक्रमण, अब खुद की जान पर आफत आई। काठगोदाम में तड़के बरसाती नाले ने मचाई तबाही। छात्र का शव 3 दिन बाद रानीबाग से मिला, तो हेड़ा खान क्षेत्र के तोक बुढ़िया में गोला नदी में बहे 14 वर्षीय छात्र का शव 3 दिन बाद बुधवार को रानीबाग के पास नदी से बरामद हुआ। न्यायमूर्ति ने हल्द्वानी जेल में बंदियों का हाल जाना। झांकिया के साथ देवीधार महोत्सव शुरू हुआ। भगवाल मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था देखी। 3000 शिक्षकों के तबादले होंगे, तो कुमाऊं में तैनात करीब 3000 शिक्षकों के तबादले होंगे। लगभग 10 श्रेणियों में हो रही 5 दिवसीय तबादला प्रक्रिया कल यानी 19 जुलाई से शुरू की जाएगी। तलवार से पीछा किया फायरिंग की, तो रुद्रपुर के भूरा रानी में मंगलवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते 3 बाइक पर सवार 8 युवकों ने एक युवक का तलवार लेकर पीछा किया। इस पर युवक बाइक छोड़कर भाग गया। युवक के हाथ नहीं आने पर बाइक सवार बौखला गए और भूरा रानी क्षेत्र में 3 अलग अलग स्थानों पर 3 राउंड हवाई फायरिंग की। इससे लोगों में दहशत फैल गई। रामपुर के युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाई। टनकपुर डिपो की बस में आग, 30 यात्री बाल बाल बचे। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव से मुसीबत हुआ, तो देहरादून से खबर आई है। दून मसूरी मार्ग पेड़ गिरने से घंटों बंद रहा। जोंसार के 5 मार्गों पर यातायात ठप रहा। जुलूस के साथ करबला में सुपुर्द एक खाक किए तजिए और इलम के साथ मातमी जुलूस निकाला। प्रसूता की मौत के बाद अल्मोड़ा में भेजी गई कायनी। लोअर घाट में 108 एम्बुलेंस 8 दिन से खुद बीमार है। 12 नवंबर को निंद्रा से जागेंगे विष्णु भगवान, तो विवाह यज्ञ पवित्र व अन्य मांगलिक कार्य अब आगामी 12 नवंबर से शुरू होंगे। इस दिन भगवान विष्णु निंद्रा से जागेंगे। देवसैनी एकादशी को भगवान विष्णु ने योग निंद्रा के लिए प्रस्थान किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय के लिए प्रदर्शन, तो सीमांत में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार के विरोध में उतर गए। बुधवार को उन्होंने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। उन्होंने सरकार से कार्यकर्ताओं को 21,000 न्यूनतम मानदेय की मांग उठाई। CUET रिजल्ट के इंतजार में छात्र परेशान, तो दून के 4 सबसे बड़े कॉलेजों में CUET से ही होने हैं दाखिले। छात्रों ने की रिजल्ट जारी करने की मांग। संविदा कर्मियों को नियमित करने का आदेश लागू करें, तो उत्तराखंड में 10 साल से अधिक समय से संविदा में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किए जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों का शासन पर दबाव बढ़ रहा है। सभी कर्मचारी संगठनों ने हाई कोर्ट के संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के आदेश को लागू करने की मांग तेज कर दी है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के स्वरूप को बचाएं। कांवड़ 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। डोडा के शहीदों को मंत्री जोशी ने दी श्रद्धांजलि। जोशी मठ में यात्रा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 4 घायल हो गए। हेलंग बाईपास में बोल्डरों की चपेट में आया लोडर। हाईवे बंद होने से लोग परेशान हुए, तो कोटद्वार से खबर रही है। हुनर योजना में जांच को निदेशालय का इंकार। कुमाऊं विश्वविद्यालय में डिजिटल होंगी डिग्रियां, तो विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग समेत अन्य फॉर्म भी डिजिटल होंगे।
हल्द्वानी में स्नातक की कक्षाएं आज से चलेंगी। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश सभी होंगे। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की लैब का होगा विस्तार। आस्था से खिलवाड़ पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। दीक्षा मिस यूनिवर्स यूके यूपी में रनर अप बनी। रामनगर की तीन बेटियों को मिली कामयाबी। पिथौरागढ़ में दो साल में सड़क हादसों में 23 ने गवाई जान। पिथौरागढ़ में सरकारी दफ्तर बंद, खुले बैंकों में रहा सन्नाटा, तो मुहर्रम पर भी खुले रहे बैंक। शहीद के नाम की सड़क के लिए सड़कों पर उतरे लोग, तो लोहाघाट से खबर आई है। बैंक खातों से आधार लिंक नहीं हुआ तो छात्रवृत्ति बंद हुई। युवक का तलवार लेकर पीछा किया फायरिंग की, तो रुद्रपुर से खबर आई है। व्हाट्सएप ग्रुप से 36,000 लोगों को जोड़ेगी पुलिस। बाजपुर नो एंट्री में घुस रहे भारी वाहन। वहीं खबर आई है बाजपुर से अवैध बंदूक के साथ युवक गिरफ्तार किया। 29 संविदा चालक परिचालक स्थायी, तो रोडवेज डिपो में कार्य कर रहे 29 संविदा चालक परिचालकों को स्थायी कर दिया गया। किच्छा हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। जूनसर के पांच मार्गों पर यातायात ठप रहा। त्यूनी हनोल मोटर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग उठाई। घर से लापता दो बहनें दून में मिली। ऑडिट में उजागर खामियों को दूर करेगा स्मार्ट सिटी प्रबंधन। गैंग रेप और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हो। पथरिया के टीरी डोबनगर में घर से लाखों चोरी हुई। केदारनाथ मंदिर प्रकरण को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रश्न, तो विकास नगर से खबर रही है। वहीं खबर है शिला कोई से कार टक्कर में तीन लोगों को टक्कर मारकर घायल किया। विकास नगर में गुजी या हुसैन की सदाएं। सैलाकोई की सड़कें स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएंगी। नशा तस्करी पर रोक लगाने की मांग की। हरेला पर पछवा दून से जोनसार तक रोपे पौधे। वहीं खबर है विकास नगर से नहर में मिले शव के मामले में हत्या की आशंका जताई। एकादशी पर खाटू श्याम के मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार में महानगर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तो दिल्ली में केदार मंदिर के विरोध में सड़क पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। बारिश और जल भराव से परेशान रहे शहर के लोग। वहीं खबर हरिद्वार से महिला का पर्चा पटने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। हल्द्वानी में मुहर्रम पर निकला ताजिए का हुजूम। भीमताल में हरेला में रंगारंग कार्यक्रम की रही धूम। रेलवे या क्रॉसिंग पर रोडवेज बस में आग अफरा तफरी, तो हल्द्वानी से खबर है बुधवार को दोपहर टनकपुर रवाना हुई थी रोडवेज की बस। आयकर पोर्टल हुआ धड़ाम, करदाता हो रहे परेशान। दून में झमाझम, दिल्ली हाईवे समेत कई मार्ग बाधित रहे। दून मसूरी रोपे लोअर टर्मिनल स्टेशन और पार्किंग पर काम शुरू हुआ। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में 250 खिलाड़ियों ने दिखाया दम। लॉ कॉलेज देहरादून के छात्र पढ़ेंगे नए आपराधिक कानून। मौसम का उतार चढ़ाव, ओपीडी में बढ़ा बुखार के मरीजों का दबाव। चतुर्मास शुरू, नहीं होंगे मांगलिक कार्य। पौड़ी हाईवे पर दुर्गा देवी मंदिर के समीप आया मलबा, 10 घंटे आवाजाही ठप रही। पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट, 100 गांवों में 7 घंटे गुल रही बिजली, तो गोपेश्वर से खबर रही है। सावन में गाय के दूध से हो रहा बाबा का अभिषेक। बरसात में मुख्यालय से कट जाता है 8,000 की आबादी का संपर्क। सुबह की घटना से SC और ST से जुड़े संगठनों में आक्रोश है, तो राज्यपाल CM और DM को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाला खेल मैदान पड़ा है जख्मी। गधेरे में कूड़ा डालने का वीडियो वायरल हुआ, तो पौड़ी से खबर रही है। देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे कोटद्वार के खिलाड़ी। सिटी स्कैन मशीन लगा दी, रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करना भूले, तो गोपेश्वर से खबर आई है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट होने की जरूरत है। प्रशासन ने तहसील परिसर में बैठे अनशनकारी को जबरन उठाया, तो बड़कोट से खबर आई है। केंद्रीय मंत्रालय के निर्देश पर भी नहीं हटे पेड़ों के ट्री गार्ड।
लॉ कॉलेज देहरादून के छात्र पढ़ेंगे आपराधिक कानून। अनुसूचित जाति के युवक ने रात भर ढोल नहीं बजाया तो लगाया जुर्माना। 10 घंटे बंद रहा हाईवे, 400 से अधिक वाहन फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला पर 4 घंटे अवरुद्ध रहा।